maximum to target 100 by 100 classes में आपका स्वागत है। अगर आप क्लास 8 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम लोग मैथ एनसीईआरटी बुक्स का एक एक क्वेश्चंस को हम लोग आज पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप लोग ट्यूशन भी जाएंगे या फिर कोचिंग्स भी जाएंगे तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस आप लोग कोचिंग्स भी अगर जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, लेकिन मैं आप इस वीडियो में आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और कोई भी क्वेश्चन जो है स्किप नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल्स को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे पल पल की वीडियो जो है आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद। तो अभी हम लोग जो है क्लास 8 चैप्टर 1 रेशनल नंबर को पढ़ेंगे। ये रेशनल नंबर के रेशनल नंबर होता क्या है, तो देखिए, ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू फॉर्म का अगर वह होता है तो उसे हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पर क्या 2/3 तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म का है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि -5/6 तो ये हो गया एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी जो है पी बाई क्यू फॉर्म में है। और यहाँ पे -3/8 हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं -5/0 जो जिसमें क्या है कि इसका डिनोमिनेटर जो है क्यू जो जीरो है, तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी जो होता है कि जो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो ये नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो है। अब हम लोग कुछ रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हम लोग दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो क्या वो रेशनल नंबर होगा। तो देखिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लिए 3/5 और ले लिए 3/10। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को अभी दोनों जो रेशनल नंबर है उसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे क्या किया, 3/5 और प्लस 3/10। तो सबसे पहले हम लोग जो है 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे हम लोग स्मॉल नंबर लेते हैं, तो जैसे कि ले लिए 2, तो 2 से 5 नहीं जाएगा, तो इसके लिए फिर 10, तो 10 जो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे हो गया 2, 5 लिख लिए, फिर 5 जो जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 और 1, तो इसका एलसीएम आ गया 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, 10 लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे कि अब 5 से 10 को डिवाइड करते हैं, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और जितना टाइम से जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2। और जो सेकंड होगा इसको भी क्या करेंगे जो है 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। अब क्या करेंगे न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 1। अब हो जाएगा यहाँ पे 3 × 2 = 6 एंड प्लस 3/10 जो कि आ गया 9/10। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आंसर जो आया है ऐड करने के बाद ये भी एक रेशनल नंबर है। तो अभी हम लोग जाने कि कोई भी अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो अभी हम लोग जो है रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए सीखते हैं कि अगर हम लोग दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वो भी एक रेशनल नंबर होगा।
ये देखिए अभी हम लोग देखते हैं सबट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए 3/2 एंड माइनस 5/4। तो सबसे पहले वही फिर इसको क्या करते हैं हम लोग कि 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे पहले, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 और 2 से जाएगा 1 बार में और 2 से 2 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 1 और ये 1 बार में, तो इसका एलसीएम आ गया 4। वही सेम प्रॉपर्टी क्या करते हैं 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, फिर हम लोग 3 × 2 हो जाएगा ऊपर, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो हो जाएगा 5 × 1। तो आपका आंसर आ गया 6 − 5/4 इजकल टू हो गया 1/4। तो अभी हम लोग देखें कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो जो आंसर जो आ रहा है वो एक रेशनल नंबर ही आ रहा है। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टीज है कि कोई भी अगर दो सब रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नंबर आता है वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर ही हो गया। अभी हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि मल्टीप्लाई में भी क्या है? ये ऐसा होता है कि नहीं। देखिए मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी मैं आप लोग एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पर ले लिए 5/2 और दूसरा ले लेते हैं हम लोग 4/15। देखिए ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, तो ये आ गया 2/3 जो क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। तो हम लोग ये भी अभी देखें कि अगर दो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन, क्या ये डिवीजन में भी ऐसा होता है? देखिए डिवीजन का एक एग्जांपल है, जैसे कि हो गया 2/3 और डिवीजन 5/6। यहाँ पर हो जाएगा 2/3, अगर इसको डिवाइड है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इस नंबर को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 5/6 है तो 6/5 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ गया आपका 4/5। तो ये भी एक रेशनल नंबर ही आ रहा है हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देखें कि डिवीजन में भी जो है आपका दो अगर रेशनल नंबर को डिवाइड भी करते हैं तो रेशनल नंबर आता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे कि अगर हम लोग एक्सेप्शन कैसे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 2 ली है, 2/3 है, 2 पे अगर 0 ले लेते हैं या डिवाइड 5/6 करते हैं तो ये जो होगा रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते, इसका जो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको हम डिटरमाइन इट कैनॉट बी डिटरमाइन। तो ये हो गया कि अगर दो रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर उसके उसका अगर डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अभी हम लोग जो है सेकंड प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि देखिए इसको हम लोग एडिशन के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडिशन के लिए, देखिए एडिशन। तो एडिशन में जैसे कि हम लोग लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बोलता है कि जैसे कि ए प्लस बी है, तो हम लोग इसको बी प्लस ए बी लिखेंगे तो इसका जो आंसर है इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम होगा। तो क्या ये रेशनल नंबर में भी ऐसा होता है, वही हम लोग अभी देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 2/3 और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 3/2। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा 2 × 2 और फिर इसको 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। उसके बाद 3 आने के बाद क्या करेंगे, 3 × 3 हो जाएगा ऊपर, ये हो गया 2 × 2 = 4 और प्लस हो गया 3 × 3 = 9/6।
ये आ गया 13/6। अब हम लोग जो है आरएचएस, जो आरएचएस को अभी सोल्व करते हैं, बी प्लस ए, तो बी का वैल्यू है 3/2 और ए का वैल्यू है 2/3। यहाँ पर हम लोग करते हैं 3/2 + 2/3, तो इसका भी एलसीएम आ गया 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, तो यहाँ हो गया 3 × 3, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो वो आ जाएगा 2, तो यहाँ हो गया 2 × 2, जो 3 × 3 = 9 + 4/6, तो ये हो गया 13/6। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, तो हम लोग देखें कि रेशनल नंबर जो है इट द रेशनल नंबर फॉलोज कमोटेटिव लॉ इन एडिशन, लिख देते रेशनल नंबर फॉलो लॉ ऑफ कमोटेटिव लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। अभी हम लोग जो है सबट्रैक्शन में, सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर देखेंगे कि उसमें क्या कमोटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ कि सबट्रैक्शन में भी ये फॉलो होता है या नहीं। जैसे कि इसका भी वही प्रॉपर्टी होता है कि a माइनस बी अगर है तो हम लोग इसे b माइनस a अगर लिखते हैं तो क्या ये सेम होता है, देख लेते हैं। अभी ये मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, तो कोई रेशनल नंबर जैसे कि 3/2 हो गया, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6/4। तो देखिए पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, और तो अभी देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 8। और तो देखिए अभी एलसीएम आ गया 2 और 4 का एलसीएम आया 4। अब क्या करेंगे, 2 और 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 3 यहाँ पर करेंगे 3 × 2 - 4 को फिर 4 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 6 × हो गया 1। तो ये अगर सोल्व करेंगे तो 6 - 6/4 तो आ गया 0/4, तो हो गया 0। तो अभी जो है मैं b माइनस a करके भी आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो जैसे कि अभी हम लोग ने 2/3 लिए थे और दूसरा लिए थे हम लोग 6/4, तो ये अभी मैं 6/4 और -2/3 करता हूँ क्योंकि b माइनस a करना है। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, और देखिए 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12 और 4 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आ जाएगा 3, तो 6 × हो गया 3 माइनस, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 12 से आएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 4, तो 6 × 3 = 18 - 8/12 = आ गया 10/12 आ गया। इसको हम लोग कटा भी सकते हैं, तो 2 से आएगा 5 × 2 से मतलब 5/6 आ गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो है कम्यूटेटिव जो लॉ है वो सबट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है। तो हम लिख देते हैं कि रेशनल नंबर डज नॉट फॉलो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव इन सबट्रैक्शन। कम्यूटेटिव लॉ जो है सबट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होता है। अब देखते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव जो लॉ है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के जैसे a × अगर b है, कि अगर a और b दो रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग b × a भी अगर करते हैं तो इसका जो है वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो इट फॉलोज, लिख देते इट, तो मल्टीप्लिकेशन में जो है कम्यूटेटिव जो लॉ है वो फॉलो होता है, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। और हम देख लेते हैं डिवीजन के लिए,
तो ये डिवीजन के लिए जो है फॉलो नहीं होता है। तो मैं बस लिख दूँ, जैसे कि अगर ए डिवाइड बी, अगर ये दो रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग जो है बी डिवाइड ए, ये दो रेशनल नंबर है तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, डिवीजन में जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अभी हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखते हैं कि एडिशन में, जैसे कि अगर एडिशन में फॉलो होता है कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया ब्रैकेट में, तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा। तो ये एडिटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, एडिशन में फॉलो होता है। और जो दूसरा है सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है फॉलो नहीं होता। अगर लगता है कि ए माइनस बी माइनस सी, दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी, तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होता है, ये सब्ट्रैक्शन में जो है फॉलो नहीं होता है। तीसरा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में जो है ये जो है प्रॉपर्टीज फॉलो होता है, मतलब ए इंटू बी इंटू सी इजकल टू लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी। अगर तीन रेशनल नंबर है तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन में इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आता है। तो अभी हम लोग जो है मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो होता है। अब चलते हैं डिवीजन, तो डिवीजन में जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होता है। अगर ये है ए डिवीजन ए डिवाइड बी, दोनों का वैल्यू जो है अलग अलग आएगा, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होता है। अभी हम लोग जो है कुछ दूसरे जो है प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर रेशनल नंबर में रेसिप्रोकल अगर आप लोगों को निकालने के लिए आ जाए, रेसिप्रोकल या फिर इसका दूसरा नाम भी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लेकर के बताया, जैसे कि लिख दिया कि 2/3, इसका बोला है कि रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल हम लोग क्या करते हैं इसको उल्टा कर, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो इसका हो जाएगा 3/2। तो ये हो गया रेसिप्रोकल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं है कि 4/6 माइनस में ले लेते हैं, इसका हो जाएगा 6/-4, ये हो गया रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उस दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए। जैसे देख लेते हैं इसका तो हो गया 2/3 इंटू 3/2, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कट गया, तो हम देख रहे हैं कि ये 1 आ जा रहा है। तो इसका इस प्रकार से हम लोग रेसिप्रोकल भी किसी भी नंबर का आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग जो है एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 2/3 तो इसका हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स क्या करते हैं कि इसमें बस हम लोग माइनस लगा देते हैं, तो माइनस हो जाएगा 2/3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 4/5 या फिर -4 होता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो क्या करें कि यहाँ से माइनस को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 4/5। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो उस नंबर को अगर ऐड करेंगे तो जो आंसर आता है वो 0 आता है।
देखिए इस दोनों नंबर को अगर ऐड करेंगे 2/3 माइनस 2/3 तो इसको ये क्या हो जाएगा, प्लस है और माइनस है, तो ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू आ गया 0। तो देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स जो है, अभी हम लोग ने है एडिटिव इनवर्स जो है, किसी भी नंबर को जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू जो है 0 आता है। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो जो है पसंद आई हो रेशनल नंबर का, अभी आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा और आज जो है नेक्स्ट वीडियो जो है कल आ जाएगा, जो कि एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें एक एक क्वेश्चन हम लोग जो है जानेंगे कि कैसे उसका उसको बनाया जाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी यह वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नया वीडियो किस चैप्टर पर तथा किस क्लास का चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता दें। थैंक यू, धन्यवाद।